हेलो एवरीवन, आप सभी को आशा डिल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ पेंदी की बहुत ही यूनिक रेसिपी। और अब जब इसे तैयार करेंगे तो आप खुद ही खाकर जान जाएंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है। और ये दिखने में जितना टेस्टी लग रही है, खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। तो पहले हमने भिंडी को अच्छी तरह से धोकर काट कर ले लिया। तो इसी तरह के हमने टुकड़े कर ले लिया, आपको जिस तरह से पसंद है वही हिसाब से काट ले लिया। उसके साथ हमने दो टमाटर को इसी तरह काट कर ले लिया और हरी मिर्च को भी चीरा लगा ले लिया। दो प्याज को हम पतला कर इसी तरह काट कर ले लिया। साथ में एक चम्मच अदरक हमने ग्रेट कर ले लिया, उसके साथ लहसुन आधा चम्मच ग्रेट कर ले लिया। इन सारे चीज़ों को हम एक साइड में रखेंगे और बाकी प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सरसों की तेल हमने गर्म होने के लिए रखी, वहाँ पर ये भिंडी डाल रही हूँ। तो भिंडी डालने के बाद हमें भिंडी को बहुत ही अच्छी तरह से अलट पलट कर इसी तरह मिला लेना है। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे 2 मिनट के करीब इसी तरह भून लेना है। और 2 मिनट भूनने के बाद ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यही है, तो ये डाल रही हूँ। तो देखिए, 2 चम्मच ही हमने डाल दिया, उसके साथ स्वाद अनुसार नमक और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालकर बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स 2 चम्मच बेसन है, तो हमने बेसन डाल दिया। बेसन के साथ अब जब भिंडी तैयार करेंगे तो उसके स्वाद आप खुद ही जान पाएंगे, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम में भून कर ले लिया और इसकी बहुत ही खुशबू आ रही है, सोंधी। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया और वही पैन पर थोड़ा सा फिर से सरसों के तेल डालकर गर्म होने के लिए रखी। एक तेज़पत्ता डाल दिया और उसके साथ ये एक दालचीनी, 2 हरी इलायची और 2 लौंग हम डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसे तो हमने थोड़ी देर भूनने के बाद क्रश किए हुए जो अदरक लहसुन ले लिया था वो डालकर इसी तरह 1 मिनट के करीब हमने भून लिया स्लो फ्लेम में। तो भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, जो चीरा लगा कर ले लिया था वो डाल दिया। अब हम इसमें डाल रही हूँ प्याज, तो इसे हम मिला लेंगे। तो बिल्कुल भी इसके कलर हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें सॉफ्ट कर ले लेना है इसी तरह अलट पलट कर भून कर। तो 1 मिनट के करीब हमने प्याज को भी भून लिया। अब हम जो टमाटर को ले लिया वो भी डाल दिया, इसे भी हमें अलट पलट कर 1 मिनट के करीब भून लेना है। हमें इसे सिर्फ सॉफ्ट कर ले लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए, इसका भुनाई हो गई। अब हम इसमें पानी डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर और उसके साथ जीरा पाउडर डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के करीब हम स्लो फ्लेम में इसी तरह पका लिया मसाला को और बहुत ही अच्छी तरह से मसाला के उबाल भी आ गई। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ये भुना कटा मसाला है सभी, तो टमाटर को भी हमें गलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, ये अच्छी तरह से भुन गई और उसमें हम जो भुना हुआ भिंडी को निकाल लिया था वो हम डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें भिंडी और इन मसाला को इसी तरह कोट कर लेना है। तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला रही हूँ मसाला के साथ। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे। तो देखिए, हमने कवर कर दिया। तो 5 मिनट स्लो फ्लेम में हम पका लेंगे। 5 मिनट स्लो फ्लेम में पकने के बाद देखिए, जो तेल है सारे निकल आई और हमें इसी तरह अलट पलट कर देना है। ये भिंडी बनके तैयार हुए लगभग। तो देखिए, बहुत ही खिला खिला ये भिंडी बनके तैयार हुए। और हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाला फ्लेवर के लिए। तो ये है 5 फोरन मसाला और इसे भून कर खलबत्ता में हमने कूट कर इसमें डाल दिया। इसके जो स्वाद है और एरोमा है ये बहुत ही लाजवाब है। तो हमने मिला लिया, 1 मिनट के करीब भून लिया। अब हम इसे डिश आउट कर रही हूँ और ये भिंडी मसाला बनके तैयार हुए। आप ज़रूर एक बार इसी तरह भिंडी मसाला तैयार कीजिए। तो आप बिना भूख के भी एक रोटी के जगह 2 रोटी आप खा लेंगे
और चावल के साथ तो इसके जवाब नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की हेल्दी और इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।